गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी लाइव क्लास है। एक्चुअली में ये जो क्लास है ये रिपीटेशन क्लास है। हमने वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया आपको कराया था, तो इन दोनों ही क्लास में हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम आई हुई थी। तो हमारे पास कमेंट भी आए थे और बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये क्लास दोबारा से लगा दी जाए। तो हमने जैसा कहा था कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है हमारी कोई क्लास में तो हम और उसकी आपको लाइव क्लास दोबारा से रिपीट करा देंगे। तो ये वायर और वायरलेस मीडिया जो है आपको दोनों ही एक ही क्लास में रिपीट कराएंगे, ध्यान से देखना। और अब जहाँ तक वॉइस प्रॉब्लम है वो वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार की होती है। ट्रांसमिशन मीडिया नेटवर्किंग में कंप्यूटर को डाटा आदान प्रदान करने के लिए कितने प्रकार की मीडिया या माध्यम की आवश्यकता होती है, कितने प्रकार की ये हो सकती है। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो, वायर मीडिया और वायरलेस मीडिया। वायर मीडिया जो होगी आपकी वो तार से संबंधित होगी, और जो वायरलेस मीडिया होगी वो आपकी बिना तार से संबंधित होगी। ठीक है, इन दोनों के बारे में बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो वायर, सबसे पहले मैं वायर मीडिया के बारे में बता देता हूँ। वायर मीडिया देखो, जिस नेटवर्किंग में दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डाटा आदान प्रदान किसी वायर के थ्रू किया जा रहा है, यकीनी दो डिवाइस के बीच डाटा आदान प्रदान किसी वायर के द्वारा किया जा रहा है, यानी माध्यम जो है वो वायर बना हुआ है, तो वो वायर मीडिया कहलाएगी। और जो वायर मीडिया होती है या वायर माध्यम जो होता है या जो वायर जो किसी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज की जाती है, वो तीन प्रकार की आप डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपका यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, फिर आपका कोएक्सियल केबल, और फिर है ऑप्टिकल फाइबर केबल। यूटीपी केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी ये तीन प्रकार की केबल का यूज कोई डाटा आदान प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यूटीपी के अंदर एक पार्ट और है एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूटीपी की। यूटीपी क्या होती है? एक आम वायर होती है, जैसे कि आपकी देखने में टेलीफोन की वायर जैसी होती है, लेकिन टेलीफोन वायर में दो वायर होती हैं, सॉरी टेलीफोन वायर में कितनी होंगी, यानी टेलीफोन वायर के अंदर दो वायर होती हैं, लेकिन यूटीपी के अंदर आठ वायर होंगी। वन मिनट सर, यूटीपी यूटीपी के अंदर आठ वायर होंगी। इसमें आपको ये जो आठ वायर होते हैं ये अलग अलग कलर की होंगी आपकी। ये लास्ट वीडियो में हमने वायर बनाई थी, ये देखो यूटीपी, इसका कनेक्टर इस प्रकार होता है, ये छोटी वायर बनाई थी, दोबारा फिर से बना के दिखा देंगे आपको एक वायर हम। तो यहाँ पर ये जो वायर है यहाँ पर देखने में आपको एज इट इज टेलीफोन वायर जैसी दिखेगी, लेकिन टेलीफोन वायर में ये जो होगी दो वायर होंगी और इसमें जो होंगी आठ वायर होगी, और ये आठ की आठ वायर जो है अलग अलग कलर की होंगी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये आठ वायर हैं, ये अलग अलग कलर की हैं। अभी प्रैक्टिकल जब मैं कराऊंगा तब आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो ये आठ वायर जो होंगी ये किसकी होती हैं, ये कॉपर की होती हैं। किसकी होती हैं? कॉपर की होती हैं, और ये ऐसे पेयर में होती हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती है। मेरे से ठीक से ड्राइंग तो नहीं बनेगी, यानी एक वायर ऐसे होगी और ये दो, ये तीन और ये चार, इस प्रकार यानी चार पेयर होंगे। चार पेयर का मतलब चार जोड़े होंगे और एक जोड़े के अंदर दो वायर होगी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी पेयर होते हैं इसके अंदर जो ट्विस्ट किए गए होते हैं, लपेटे गए होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब जो ये यूटीपी वायर है, ये वाली जब मैं इसको खोलूँगा तो आपको दिखेगा एक्चुअली में कि एक वायर को दूसरी वायर के ऊपर लपेटा गया होता है। वो क्यों लपेटा गया होता है? जब आपको हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट करा रहे थे तो वहाँ पर कॉयल का टॉपिक चला था। कॉयल क्या होती है? कॉयल किसी करंट के अकॉर्डिंग EMF बनाने का काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो हमारा ये UTP केबल है, इसके अंदर भी वायर जो है वो कॉपर की होती है। तो कॉपर की वायर में से जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे तो EMF बनने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से क्रॉसटॉक बनने की संभावना रहती है नेटवर्किंग में। अब ये क्रॉसटॉक क्या होता है? क्रॉसटॉक की वजह से आपकी नेटवर्किंग प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में डाटा स्लो स्पीड से ट्रैवल करेगा या स्लो स्पीड से डाटा जाएगा। तो इस क्रॉसटॉक को रोकने के लिए, क्रॉसटॉक ना हो UTP के अंदर, तो इसलिए उसको एक वायर के ऊपर दूसरी वायर को लपेटा गया होता है, जिससे क्रॉसटॉक की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। अगर डायरेक्टली आठ ही आठ वायर सीधे रख लोगे आप ऐसे, तो उससे क्या होगा, डाटा तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन क्रॉसटॉक बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। क्रॉसटॉक बढ़ेगा तो डाटा फॉरवर्ड करने की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। UTP के अंदर से हम 10 MB से लेकर 100 MBPS तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UTP के अंदर कितनी स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होता है? 10 MB से लेकर 100 MBPS तक, ठीक है। और ये UTP जो कनेक्टर होते हैं, ये आपके LAN पोर्ट में लगाया जाता है। एक हमसे क्वेश्चन पूछा था, वो भी मैं आपको इसी क्लास में कन्वर्ट बता देता हूँ। RJ45 को ही LAN पोर्ट बोला जाता है। LAN पोर्ट जो होता है वो आपका RJ45 ही। नेक्स्ट है, वन मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ा। तो RJ45 को ही लैन पोर्ट बोला जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी आप ये सोचो कि एक RJ45 कनेक्टर जो होता है ये कौन सा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास STP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है? UTP के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉस्टली होती है, और इसके अंदर जैसे UTP के अंदर पेयर में वायर होती है, इसके अंदर पेयर में वायर नहीं होती है। पेयर का मतलब जोड़े के अंदर वायर नहीं होगी। इस STP के अंदर ऐसे सीधी वायर होंगी, बिल्कुल सीधी वायर होंगी, ठीक है। और उसको एक वायर के अंदर कंबाइन किया गया था। और इनका जो कनेक्टर होता है, जैसे यहाँ पर RJ45 कनेक्टर है, इनमें RJ45 कनेक्टर नहीं मिलेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि उसने किस प्रकार का कनेक्टर लगाया हुआ है इसमें। और ये अगर आप STP वायर बनी बनाई लेके आते हो, फिर तो इसका सेटअप करना आसान होता है। यदि आपको STP खुद बनानी पड़ती है तो ये इसका सेटअप थोड़ा मुश्किल होता है। STP वायर अकॉर्डिंग टू UTP थोड़ा कॉस्टली आती है, और STP के अंदर जो है मैक्सिमम आप 500 MBPS तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो STP के अंदर, ठीक है। अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू ये वीडियो देख रहे हो तो मटेरियल में जाके आपको STP की आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी कि भाई ये इस प्रकार की STP है। UTP की भी दिखा रही होगी, और ऑप्टिकल की भी, पोइजल की भी, इनकी सब की आपको वीडियो या पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट है कोइजल केबल। कोइजल केबल क्या होता है? इसका यूज़ भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ अधिकतर आपका जो टीवी होता है, टीवी
या आपका जो डिश जो आपका घरों में डिश टीवी लगा है या कोई टाटा स्काई लगा, उनकी जो केबल होगी आपने देखा होगा, तो वो कोइजल केबल होती है। कौन सी केबल होती है? कोइजल केबल होती है। या आपने टीवी जो है अपने किसी केबल से कनेक्ट कर रखा है, लोकल या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने केबल की सर्विस ले रखी है, तो वो केबल आपने देखी होगी, तो वो जो केबल होती है वो कोइजल केबल होती है। वो किस प्रकार की होती है उसका फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। कोइजल केबल, कोइजल केबल में मेनली दो लेयर होती हैं, दो मेटल की लेयर होती हैं और दो प्लास्टिक की लेयर होती हैं। एक बड़ी लेयर होगी ऐसे, और इसके अंदर एक छोटी लेयर होती है जो कि ये जाली वाली होती है। ड्राइंग ठीक से नहीं बन पा रही मेरे से तो आज। तो यहाँ पर एक लेयर ये होगी, ये थोड़ा जाली से टाइप की होती है, और एक लेयर ये होगी, ये कंडक्टर होता है, ये इंटरनल कंडक्टर होता है। कौन सा कंडक्टर होता है? इंटरनल। और ये कंडक्टर होता है, ये आउटर होता है, आउटर कंडक्टर। यानी यहाँ पर ये एक कंडक्टर होता है और ये एक कंडक्टर होता है। ये क्या होता है? ये आपका सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर नहीं, बेड कंडक्टर होता है, जो कि आपके किसी प्लास्टिक या रबड़ का हो सकता है, और ये भी आपका एक बेड कंडक्टर होता है। यानी ये इंसुलेटर होते हैं दोनों, ये और ये बेड कंडक्टर होते हैं आपके, जो कि किसी प्लास्टिक के या रबड़ के हो सकते हैं। और जो आपका ये दो इसके अंदर कंडक्टर होते हैं जिनके अंदर से डाटा ट्रैवल करता है, ये आपके मेटल के होंगे किसी, ये मेनली आपका कॉपर का होगा और ये आपका एल्यूमिनियम का हो सकता है, ठीक है, ये वाला। तो इस प्रकार की केबल आपने अपने घरों में देखी भी होगी, टीवी के पीछे लगी होती है, उसको आप निकाल के देखना तो उसके अंदर से इस प्रकार का इंटरफेस ही नज़र आएगा। और इसका यूज़ अधिकतर क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, डिश जो आपकी डिश हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, या आप टीवी के लिए इसका यूज़ करते हो। कंप्यूटर के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता, कंप्यूटर के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है? ये बड़ी नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती है। जब आपकी नेटवर्किंग कुछ ज़्यादा बड़ी हो और आपने डाटा जो है लार्ज अमाउंट में ट्रांसफ़र करना हो, तो आप वर्तमान समय में ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जाता है, तो इसी केबल का यूज़ करेंगे। पहले के टाइम में क्या होता था, लैन वायर का यूज़ किया जाता था, लेकिन लैन वायर क्या होता था, उस पर थोड़े टाइम में वो डैमेज हो जाती थी, जिसकी वजह से डाटा ट्रैवल होने में प्रॉब्लम आती थी। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होते हैं, ये विदाउट मेटल के बनी हुई होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेटल यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से ये ख़राब बहुत कम होती है। और इसके अंदर से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो अकॉर्डिंग टू किसी लैन वायर से बहुत फास्ट स्पीड के ट्रांसफ़र होता है। पहले क्या होता था, पहले जो भी वायर बिछाई जाती थी उनके बीच में बार बार रिपीटर लगाने पड़ते थे, बीच बीच में रिपीटर लगाने पड़ते थे। यानी जब आपकी नेटवर्किंग लंबी होती थी, टेलीफोन लाइन जो आपने देखी होगी, तो इनके बीच बीच में आपको रिपीटर लगाने पड़ते थे, जिसकी एक तो रिपीटर की कॉस्ट ज़्यादा आती थी और जो लाइन वायर है वो भी बीच बीच में ख़राब हो जाती थी। अब क्या है, अब लाइन वायर की जगह ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जाता है बिग नेटवर्किंग के लिए। बड़े नेटवर्क के लिए अब ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जाता है, जब आपको लगता है कि मेरी नेटवर्किंग बड़ी है और डाटा ट्रैवल करना है अपने किसी के वायर के द्वारा, तो आप ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करोगे। इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ। ये सिंपल इस प्रकार की होती है, एक रबड़ का इसके ऊपर लेयर होती है, और रबड़ की लेयर के अंदर से एक कांच की या फाइबर मटीरियल की एक वायर होती है, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ,
और ये किसी मेटल की नहीं होती, और यहाँ पर लाइट के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, लाइट के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर इसके एक सिरे पर सिग्नल को आउट करने के लिए एक ट्रांसमीटर लगाया गया होता है, सिग्नल को आउट करने के लिए इसके एक सिरे पर ट्रांसमीटर लगाया गया होता है, ठीक इसके वायर के दूसरे सिरे पर सिग्नल को रिसीव करने के लिए, सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसीवर लगा होता है। क्या लगा होता है? रिसीवर लगा होता है। यहाँ पर ये सिग्नल आउट करेगा इस वायर से, और यहाँ पर एक अलग उपकरण लगा होगा जो कि इसके सिग्नल को रिसीव करेगा, जिसकी वजह से डाटा ये इसका डाटा यहाँ पर रिसीव हो जाता है। लेकिन जब ये डाटा यहाँ से आउट होता है तो किस फॉर्म में होता है? लाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लाइट यानी प्रकाश के द्वारा डाटा ट्रैवल होता है, जो कि इस प्रकार वो ट्रैवल करेगा आपकी इस कांच की वायर के अंदर और आगे तक पहुंच जाएगा। ये लंबी दूरी तक आपका जा सकता है। इसके बीच में रिपीटर लगाने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, अकॉर्डिंग टू अदर वायर। ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखो इसका प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर आप वेबसाइट के थ्रू देख रहे हो तो वहाँ पर मटेरियल में आपको जाके इसकी पिक्चर मिल जाएगी। और इसके अंदर से जो डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो आपका 100 MB से लेकर 2 GB PS तक हो सकती है, 100 MB से लेकर 2 GB पर सेकंड तक इसकी स्पीड होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल की। आने वाली किसी क्लास में आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल हम ज़रूर दिखाएंगे। तो मैंने बताया अब आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल बताया और कोएक्सियल केबल के बारे में, यूटीपी केबल के बारे में, एसटीपी केबल के बारे में। लेकिन जो 90% है लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में, यूटीपी ही यूज़ की जाती है। ठीक है, क्यों यूज़ की जाती है? एक तो ये इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है, एक इसका सेटअप करना बहुत ही आसान होता है और इसकी कॉस्ट भी अन्य वायर के अकॉर्डिंग कम पड़ती है, तो इसलिए यूटीपी का यूज़ किया जाता है। तो हम ज़्यादा जानकारी अब आपको यूटीपी के बारे में दे पाएंगे कि यूटीपी जो होता है वो कैसे बनाई जाती है, किस प्रकार की इसके अंदर वायर होती है। तो वापस से हम अपने यूटीपी के ऊपर आते हैं। तो यूटीपी के अंदर मैंने बताया था 8 वायर होती हैं। ये 8 की 8 वायर आपकी अलग अलग कलर की होती हैं। कौन कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होगी, ब्राउन की होती है, ब्राउन, ग्रीन और आपका ब्लू और आपका होता है ऑरेंज। ठीक है, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ठीक है, इस प्रकार की ये कलर की वायर होंगी। लेकिन ये तो 1, 2, 3, 4 हुई, बाकी की जो 4 वायर होंगी, ठीक है, बाकी की जो 1, 2, 3, 4 बाकी की जो 3, 4 वायर होंगी वो कैसी होंगी? देखो इनका तो परमानेंटली कलर ऐसा होगा, लेकिन जो बाकी की कलर होंगी वो ऐसे होंगे, वाइट ब्राउन, वाइट ब्राउन, वाइट ग्रीन और वाइट ब्लू और वाइट ऑरेंज। मतलब अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा वायर बना के तो इसके अंदर से आप कलर भी दिखाऊंगा, यानी इनका कलर तो कम्प्लीटली ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज होगा। इनकी वायर का जो ये कलर होगा उसमें साथ में एक वायर एक वाइट कलर होगा और ऑरेंज कलर होगा या ब्राउन कलर होगा या ब्लू कलर होगा। ठीक है, मतलब वाइट ब्लू, वाइट ऑरेंज, वाइट ग्रीन, इस प्रकार की अलग अलग 4 केबल इसके अंदर या 4 वायर इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो 4 वायर होती हैं ये लिपटी कैसे होती है? ठीक है, तो मतलब लपेटा कैसे गया होता, कौन सी वायर किसके ऊपर लिपटी होती है? ब्राउन के ऊपर वाइट ब्राउन को लपेटा गया होता है, ग्रीन के ऊपर वाइट ग्रीन को लपेटा गया होता है और ब्लू के ऊपर वाइट ब्लू को लपेटा गया होता है, ऑरेंज के ऊपर वाइट ऑरेंज को लपेटा गया होता है, यानी ट्विस्ट किया गया होता है। ठीक है, अब ये लपेटना तो ठीक है, अब मान लो किसी नेटवर्किंग में आपको लैन वायर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो ये लैन वायर बनी बनाई भी आती हैं, लेकिन बनी बनाई क्या होता है, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं आती। आपको कहीं पर 2 मीटर की, 2.5 मीटर की या 3 मीटर की या उससे कम ज़्यादा मीटर की या कुछ ज़्यादा बड़ी छोटी आपको लगानी पड़ जाती है, या आपको लैन वायर
का कनेक्टर चेंज करना पड़ जाता है, तो वो किस प्रकार चेंज होगा या किस प्रकार लैन वायर बनाई जाती है या लैन वायर बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे। तो लैन वायर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैन वायर जब हम बनाएंगे तो पहली वायर कौन सी होगी, दूसरी वायर कौन सी होगी, तीसरी वायर कौन सी होगी और चौथी वायर कौन सी होगी, ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको लाइन वायर बनाने के लिए एक क्रिम्पिंग टूल की आवश्यकता होती है। देखो ये क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है, इसका यूज़ भी अभी बताएंगे। और फिर एक लैंड टेस्टर की आवश्यकता होती है, तो इसका यूज़ हम लैंड जो है आपका वायर को चेक करने के लिए यूज़ करेंगे कि लैंड जो है लाइन वायर जो है इस प्रकार चेक की जाएगी। और तो कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है, हाँ वायर की जरूरत होगी सिंपल और कनेक्टर की जरूरत होगी, ठीक है, ये लास्ट में बना के दिखाऊंगा, लास्ट में करा के दिखाऊंगा क्योंकि अभी वायरलेस मीडिया और रहता है हमारा, ठीक है, वन मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं साथ के साथ कि जब आप लैन वायर बनाओगे तो लैन वायर बनाते टाइम आपको पहली वायर में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपको ये कौन कौन से कलर की रखनी है ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस कलर की रखनी है। तो पहली वायर होगी आपकी हमेशा वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, दूसरी ऑरेंज, तीसरी कौन सी होगी वाइट ग्रीन, तीसरी कलर कौन सा होगा वाइट ग्रीन, और नेक्स्ट है ब्लू, फिर है वाइट ब्लू, और फिर है आपका ग्रीन, और फिर है आपका वाइट ब्राउन, और फिर आपका ब्राउन। दोबारा फिर बता रहा हूँ, पहली वायर आपको रखनी है वाइट ऑरेंज, दूसरी रखनी है ऑरेंज, तीसरी रखनी है वाइट ग्रीन, चौथी रखनी है ब्लू, और पांचवी रखनी है वाइट ब्लू, छठी रखनी है ग्रीन, और सातवीं रखनी है वाइट ब्राउन, और आठवीं रखनी है ब्राउन, ठीक है। इस प्रकार आपने वायर को कंबाइन करना है, फिर कनेक्टर में लगाना है, कैसे लगाना होगा वो अभी आपको हम बताएंगे। उससे पहले एक टॉपिक और रहता है वो कवर कर लें हम इसमें, वायरलेस मीडिया, वायरलेस मीडिया, ठीक है। वायरलेस मीडिया जो होता है आपका, जो डाटा आप बिना तार के द्वारा, ठीक है, बिना तार के द्वारा आप इसको ट्रैवल कर रहे हो, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो माध्यम वायरलेस माध्यम कहलाता है। तो वायरलेस माध्यम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है आपका, पहला है रेडियो, रेडियो सिग्नल, दूसरा आपका माइक्रोवेव सिग्नल, और तीसरा है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड वेव या सिग्नल बोल सकते हो आपको, रेडियो सिग्नल। अब रेडियो सिग्नल को आरएफ भी कहा जाता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, अगर कहीं पर आरएफ की बात आ रही है तो मतलब रेडियो की ही बात हो रही है। तो ये तीन ऐसे सिग्नल है जो बिना तार के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रेडियो सिग्नल में कौन सा आता है। देखो रेडियो सिग्नल में आपके जो सिग्नल होते हैं, जैसे कि रेडियो, घरों में जो लोकल रेडियो होता है, या टीवी, टीवी आपने देखा होगा, तो ये रेडियो आरएफ सिग्नल पे काम करते हैं, यानी इनके अंदर भी डाटा ट्रैवल जो होता है वो बिना तार के द्वारा होता है, लेकिन उसमें कौन सा सिग्नल आता है वो रेडियो सिग्नल को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसका डाटा आपको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने रेडियो टीवी नहीं समझाना आपको, हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कंप्यूटर के आपने कंप्यूटर के अंदर डाटा आपने ट्रैवल कराना है तो इसमें आपने एक नाम सुना होगा वाईफाई, मैं लैन बता रहा हूँ आपको, कौन सा बता रहा हूँ,
लोकल एरिया नेटवर्किंग में यदि आपको वायरलेस सिग्नल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने नाम सुना होगा वाईफाई। तो वाईफाई क्या होता है, ये भी एक आरएफ सिग्नल होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ये भी, ये कोई अलग चीज़ नहीं, मतलब रेडियो का, रेडियो सिग्नल का ही पार्ट है। लेकिन ये जो आरएफ सिग्नल है ये कैसा होता है, ये कैसे पैदा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वाईफाई जो होता है किसी राउटर के द्वारा, इसका सिग्नल जो है वो पैदा किया जाता है, और रिसीवर इनका अलग अलग हो सकता है। एनआईसी में अभी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको माइक्रोवेव बता दूं। अब माइक्रोवेव क्या होता है, पहले मैं इसका बता देता हूँ। रेडियो सिग्नल जो होता है आपका 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकता है, रेडियो का सिग्नल जो होता है, लेकिन वाईफाई का सिग्नल इतना नहीं होता, ठीक है। वाईफाई का सिग्नल 10 मीटर 20 मीटर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। वाईफाई जो होता है छोटे दर्जे का रेडियो सिग्नल है। और आपका ये जो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव क्या होता है, पहले तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि वेव क्या होता है। वेव, ठीक है, वेव मतलब तरंग, नाम सुना होगा सिग्नल, ठीक है। वेव क्या होता है, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इसमें भी, जिसकी वजह से डाटा ट्रैवल करता है। यानी वाईफाई जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, या इंफ्रारेड या कोई भी किसी भी प्रकार का सिग्नल है वायरलेस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से डाटा रिसीव और आउट होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्पन्न होती है, देखो मैंने आपको बताया होगा इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नेटिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक सिग्नल तैयार होता है। और वो सिग्नल माइक्रोवेव का भी हो सकता है, रेडियो का भी हो सकता है, और इन्फ्रारेड का भी हो सकता है, ठीक है। वो यूज़ किए गए सर्किट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस प्रकार का सिग्नल तैयार हुआ है। अब माइक्रोवेव सिग्नल कैसा होता है, माइक्रोवेव सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि स्टेट डायरेक्शन में काम करता है। स्टेट डायरेक्शन जो रेडियो सिग्नल है आपका, रेडियो सिग्नल ये एक टावर है मान लेते हैं आरएफ का, रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये चारों साइड आपका फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। लेकिन अगर आपका माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का टावर है ये, मान लो ये एक टावर है, कहाँ बनाऊँ, ये एक टावर है, तो ये बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में छोड़ेगा, यानी यहाँ पर एक टावर और होगा और यहाँ पर रिसीवर लगा होगा, यहाँ पर भी आउटर लगा होगा, रिसीवर लगा, तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, यानी इनका एंगल जो है बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है। माइक्रोवेव का जो सिग्नल है वो एक डायरेक्शन में रखना पड़ता है, तो वो सिग्नल जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि इनका एंगल जो है आपने ऊपर की साइड कर दिया या नीचे की साइड कर दिया, तो वो सिग्नल जो है ले और दे नहीं पाएगा। इसका मैं एग्जांपल दूं, आपके जैसे घरों पे डिश टीवी लगी होती है, टाटा स्काई लगी होती है, उनके ऊपर जो LLB होता है वो माइक्रोवेव सिग्नल रिसीव करता है। वो आपने देखा होगा जरा सा भी इधर उधर हो जाता है तो सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो सेम डायरेक्शन में लगाना पड़ता है। माइक्रोवेव जो होता है सेम डायरेक्शन में चलता है, इधर उधर कर दिया तो सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। तो ये होता है आपका माइक्रोवेव। आरएफ सिग्नल जो होता है छोटी नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो माइक्रोवेव सिग्नल होता है ये बड़ी नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जब आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और आपने वायरलेस सिग्नल ट्रांसफ़र करना है, तो आपको वो माइक्रोवेव सिग्नल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आप रेडियो फ्रिक्वेंसी से बड़ी नेटवर्किंग नहीं तैयार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्फ्रारेड। अब इन्फ्रारेड क्या होता है, इन्फ्रारेड क्या है, कोई ये बड़ी नेटवर्किंग नहीं है, छोटी ही नेटवर्किंग है, और ये वायरलेस होता है, ये भी डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। आपको घर में एक टीवी होगा, टीवी, और जो टीवी होता है वो किसी रिमोट से ऑपरेट होता होगा, आपने देखा होगा, और रिमोट के आगे एक लाइट लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर एक इन्फ्रारेड रिसीवर लगा होता है टीवी के आपके, तो यहाँ पर ये सिग्नल रिसीव करता है और आउट करता है। यानी जो आपके सेलफोन, सॉरी
टीवी का रिमोट होता है या किसी भी अन्य डिवाइस का रिमोट होता है, उसका एक आगे एक एलईडी लगी हुई आपने देखा होगा, वो इन्फ्रारेड एलईडी होती है जो कि सिग्नल को आउट करने का काम करती है। तो आपके डिवाइस के आगे एक रिसीवर लगा होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। तो यानी ये इन्फ्रारेड सिग्नल होता है और ये सेम डायरेक्शन में काम करता है जैसे कि माइक्रोवेव था। माइक्रोवेव जैसे एक डायरेक्शन में काम करता है, ठीक उसी प्रकार इन्फ्रारेड भी आपका सेम डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन ये छोटी स्मॉल नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता, बड़ी नेटवर्किंग के लिए यूज़ नहीं करा जाता पहले के टाइम में। आजकल तो हम डाटा जो है वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या और ब्लूटूथ के द्वारा शेयर करते हैं। पहले के टाइम में हमारे जो सेलफोन थे वो इन्फ्रारेड के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता था, कंप्यूटर्स में भी इन्फ्रारेड के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र होता था। आज तो लैन का, वाईफाई का यूज़ होने लग गया, लेकिन सबसे पहले इन्फ्रारेड आया, उसके बाद ब्लूटूथ आया, ब्लूटूथ के बाद वाईफाई आया। अब बात कर लेते हैं ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी क्या होता है, ब्लूटूथ भी एक नेटवर्किंग होती है, उसमें भी आरएफ सिग्नल होता है, लेकिन वो भी एक छोटी नेटवर्किंग होती है, आरएफ से छोटी नेटवर्किंग होती है। अब आपको बता देता हूँ, ये तो कुछ टाइप्स थे जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी या वायरलेस सिग्नल थे, लेकिन एक कंप्यूटर में जब हमने डाटा ट्रांसफ़र करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं, यहाँ पर हमने दो तीन कंप्यूटर बनाए, ये एक कंप्यूटर है हमारा, ये एक कंप्यूटर, अभी तीन चार कंप्यूटर बना दिए हमने। अब पहले हमने, यदि आपको याद हो, वायर मीडिया बता रहा हूँ और वायरलेस मीडिया भी बता रहा हूँ कि वायर मीडिया में किस प्रकार डाटा ट्रांसफ़र होएगा और वायरलेस मीडिया में किस प्रकार। पहले है वायर, बीच में हमें हब लगानी पड़ेगी, हब का टॉपिक हम करा चुके हैं और हम बता भी चुके हैं, हब में मैनी पोर्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सबके यहाँ पर लैन पोर्ट होता है कंप्यूटर के, यदि नहीं है तो एनआईसी लगाना पड़ेगा। एनआईसी दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार का होता है, ठीक है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यदि आपका कंप्यूटर का लैन पोर्ट काम नहीं कर रहा तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस अपने कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। फिर एनआईसी से तार यहाँ आएगी यूटीपी में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आगे प्रत्येक कंप्यूटर की आप अलग अलग दोगे। तो इस प्रकार आप अपने कंप्यूटर को तार के द्वारा जोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगी। फिलहाल वायर मीडिया इस प्रकार की होती है कि वायर से हब कनेक्ट होती है, हब से सारे क्लाइंट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये सर्वर हो गया आपका, क्लाइंट क्लाइंट, इस प्रकार आपके सर्वर क्लाइंट जो है कनेक्ट होते हैं वायर के द्वारा। लेकिन यही अगर हमें वायरलेस कनेक्ट करने हो, वायरलेस कनेक्ट करने हो बिना तार के द्वारा, तो क्या होगा। दोबारा से वही कंप्यूटर बनाएंगे, अब हम इनको बिना तार के द्वारा जोड़ेंगे, अब बिना तार के द्वारा जोड़ने के लिए हमें इंटरफेस जो है वो अलग यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पर हब यूज़ कर रहे थे, क्या यूज़ कर रहे थे, हब, लेकिन अब हमें हब यूज़ नहीं करना पड़ेगा, अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, राउटर। देखो इस प्रकार का होता है राउटर, ये है आपका राउटर, ठीक है, इसके बारे में अभी बताएंगे, और ये होता है आपका हब, ठीक है। वायर मीडिया में आपको हब यूज़ करना पड़ेगा और वायरलेस मीडिया में आपको राउटर यूज़ करना पड़ेगा। अब जब आपकी वायर मीडिया थी तो यहाँ पर लैन पोर्ट में एक तार लगाते थे आप, जो कि आप हब में कनेक्ट करते थे। लेकिन यदि आप बिना तार के द्वारा अपने कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको प्रत्येक कंप्यूटर में वायरलेस, आपके पास एनआईसी होना चाहिए, वायरलेस एनआईसी आपके कंप्यूटर में लगा होना चाहिए। लैपटॉप में पहले से ही होता है, लेकिन डेस्कटॉप में ये बहुत कम चांस होते हैं कि आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रत्येक कंप्यूटर में इस प्रकार का एनआईसी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये भी एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखो जो पहले दिखाया था मैंने वो ये है, इसके अंदर यहाँ पर लैन वायर लगेगी, और ये आप अगर देख पा रहे हो इसमें कोई लैन वायर नहीं लगेगी, यहाँ पर एक रेडियो सिग्नल और रिसीवर करने के लिए यहाँ पर एक एंटीना लगाया गया होता है, ठीक है। ये है आपका एनआईसी वायरलेस। तो प्रत्येक कंप्यूटर में आपको वायरलेस एनआईसी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो यहाँ पर भी लगा दिया,
यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद अब ये कंप्यूटर इससे कैसे कनेक्ट होगा, ये इससे कैसे कनेक्ट होगा, ये इससे कैसे कनेक्ट होगा। देखो ये कंप्यूटर डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में हब का यूज़ करते थे हम, वायरलेस टेक्नोलॉजी में हमने हब का यूज़ किया, हब मीडिएटर का काम कर रही है, ठीक उसी प्रकार वायरलेस टेक्नोलॉजी में हमें राउटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो राउटर हमारा मीडिएटर बनेगा। तो राउटर क्या काम करेगा, SSID जो है SSID क्रिएट करेगा कोई भी सिग्नल की, मान लो ABC पासवर्ड, इसका एक सिक्योरिटी पासवर्ड भी होता है, 1 2 3 4 कुछ भी होता है, ये आपको पता भी होगा जब आप अपने सेलफोन को कनेक्ट करते हो किसी सिग्नल से, वाईफाई सिग्नल से, तो आपको पता होगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार पहले आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इस क्लास में आपको नहीं बताएंगे कि राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के बाद वो SSID क्रिएट करेगा। SSID जो है, SSID के साथ आपने इस कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, मतलब यहाँ एक एंटीना लगा होगा, वो सिग्नल आउट करेगा आपका, और जो कि इससे ये कनेक्ट हो जाएगा बिना तार के, ये तो ये सारे कंप्यूटर जो है बिना तार के आपके राउटर से जो है कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वायर और वायरलेस मीडिया में एक डिफरेंस होता है। वायर मीडिया में आपको IP एड्रेस देने की जरूरत पड़ती है हर एक कंप्यूटर को। यदि आपने IP एड्रेस नहीं दिया है तो आपका कॉन्फ़िगर नहीं होगा, तार के द्वारा आपकी नेटवर्किंग नहीं चल पाएगी। लेकिन यदि आपने वायरलेस यानी राउटर का यूज़ कर रखा है और आप नेटवर्किंग जोड़ रहे हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप IP एड्रेस देना चाहते हो या नहीं। मान लो दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया तो क्या होगा, तो नहीं दिया तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्टेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑप्टेंट पे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो राउटर का IP एड्रेस होगा। देखो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए राउटर का IP एड्रेस देना ज़रूरी है। जब तक आप राउटर का IP एड्रेस नहीं दोगे तो आपका राउटर कॉन्फ़िगर होगा ही नहीं होगा, और SSID भी नहीं क्रिएट होगी। तो राउटर का आपने कोई एक IP एड्रेस दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे सर्वर जो हैं या क्लाइंट जो हैं इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप IP एड्रेस देना चाहोगे या नहीं देना चाहोगे। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल होगा आपको आने वाली क्लास में, कि राउटर से जब हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो क्या करना होता है, और जब आपने बिना राउटर के आप अपने कंप्यूटर को जोड़ रहे हो तो IP एड्रेस क्या दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता, ठीक है। IP एड्रेस का टॉपिक आने वाली क्लास में। फिलहाल वायरलेस टेक्नोलॉजी हमने कंप्यूटर को जोड़ना था, तो बीच में हमने राउटर को लगाया, राउटर ने इन सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया। यदि आप राउटर नहीं लगाओगे तो आपका कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक उसी प्रकार वायर में क्या था, यदि आप हब नहीं लगाओगे तो आप वायर किसी कंप्यूटर से एक दूसरे में नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो ये तो था कुछ बातें वायर और वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं कि UTP, जैसे कि अभी लास्ट टॉपिक चल रहा था, UTP कैसे बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। अब आपको UTP केबल बना के दिखाएंगे हम।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वायर नेटवर्किंग बना सॉरी वायर बनाने के लिए यूटीपी वायर बनाने के लिए आपके पास कनेक्टर का होना ज़रूरी है। तो ये आपके कनेक्टर होते हैं, मार्केट से ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं कनेक्टर। फिर आपके पास यूटीपी केबल होनी चाहिए। यूटीपी केबल आप अपने हिसाब से लेंथ वाइज ख़रीद सकते हो, या आप इसका बंडल भी आता है वो बंडल भी ख़रीद सकते हो। देखो इस प्रकार की आपकी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो सबसे पहले हम आपको यूटीपी के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। आप यहाँ पर एक दो और यहाँ पर तीन और ये चार, इस प्रकार के पेयर बने हुए हैं इसके अंदर जोड़े, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये चार प्रकार के जो है पेयर हैं इसके अंदर, जो कि अलग अलग कलर के हैं। ये ग्रीन और वाइट ग्रीन, देखो इसके अंदर दो वायर हैं, एक ग्रीन कलर की है और एक साथ में वाइट ग्रीन की, दो हैं ऐसे। यहाँ पर होगा ब्राउन और वाइट ब्राउन, ऐसे यहाँ पर ब्लू और वाइट ब्लू, और ऐसे यहाँ पर ऑरेंज और वाइट ऑरेंज, ठीक है। और यूटीपी बनाने के लिए आपको इनके पेयर को खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद इनको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा आपको, कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपने ठीक लगता है आपको। अब आपने जो सीक्वेंस थी हमारी वो अब हमने लगानी है। तो क्या सीक्वेंस थी? सबसे पहले वाइट ऑरेंज, ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो वीडियो बैक करके देख लें। वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज के बाद ऑरेंज, फिर हमने ऑरेंज ली, और ऑरेंज के बाद क्या है हमारी वाइट ग्रीन, फिर हमने वाइट ग्रीन ली, और वाइट ग्रीन के बाद क्या है ब्लू, ब्लू के बाद क्या है वाइट ब्लू, वाइट ब्लू के बाद क्या है ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या है वाइट ब्राउन, वाइट ब्राउन के बाद क्या है ब्राउन। तो इस प्रकार आपने इन वायरों को एक ऐसे अरेंज करना है। आपने क्या करना है, इन सभी वायरों को ऐसे अरेंज कर लेना है बिल्कुल सीधे, ठीक है। ये आपने अपने आप देखना है कि आप किस प्रकार इसको ठीक कर पा रहे हो। जब तक ये स्ट्रेट नहीं होंगी, सीधी नहीं होंगी, आप इसका कनेक्टर में नहीं लगा पाओगे। तो अब हमने तो सीधी कर लिया, अब सीधी तो हो गई है। सीधी करने के बाद यहाँ पर इसको इक्वली कट भी करना होता, तो इक्वली कट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्रिम्पिंग टूल होता है इसके लिए, वायर बनाने के लिए काटने के लिए भी होता है उसके अंदर, या आपके काट, देखो लगाने के लिए तो आपको क्रिम्पिंग टूल की आवश्यकता करनी पड़ेगी, काटने के लिए आप किसी भी आप अदर इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हो। इक्वली काटना है बिल्कुल, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो ये हमने काट लिया है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल सीधी जो है ये कट चुकी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए आप इसको चेक कर लोगे कि पहले वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, फिर ग्रीन वाइट ब्राउन और ब्राउन, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप कनेक्टर लोगे और कनेक्टर के अंदर इसको बड़े आराम से ऐसे डाल दोगे, देखो ध्यान से डालना है, और ये बड़े आराम से डल भी जाएगा, देखो डल गया। डलने के बाद आपने
एक बार यहाँ आप चेक कर लोगे, यहाँ पर फेस में ये जो है नज़र आने लग जाती है कि वायर जो है निकली है कि नहीं निकली है। फिर आपने इस टूल के अंदर इसको डालना है, देखो इस टूल के अंदर आप इस प्रकार से इसको डालोगे। डालने के बाद आपने अंदर की तरफ पुश करना है वायर को, अंदर की तरफ पुश करके और इसको आपने इस प्रकार दबा देना है। देखो इस प्रकार आपने दबा देना है, आपने इस प्रकार इसको दबा देना है। दबाने के बाद अब आप इसको निकाल सकते हो। ये हमने निकाल दिया और निकालने के बाद ये बन चुकी है आपकी, ठीक है 100% बन चुकी है। लेकिन बनाने के बाद आपको एक बार इसको लैंड टेस्टर से चेक करना होता है कि ये सही बनी है या नहीं बनी है। कई बार क्या होता है हमसे वायर जो है पलट जाती है, हमें ध्यान नहीं रहता, या कई बार क्या होता है यहाँ पर कनेक्टर जो है कनेक्ट भी नहीं हो पाता। तो एक कनेक्टर तो लगा दिया हमने, अब दूसरा कनेक्टर लगाएंगे। दूसरा कनेक्टर लगाने के लिए भी हमने दूसरे साइड से छील रखा है, इसको कवर हटा रखा है। कवर हटाने के बाद अगर आप देख पा रहे हो इसमें भी वही चार पेयर हैं हमारे, चार पेयर हैं, वाइट ब्राउन, वाइट ब्लू और ब्लू ऑरेंज, सॉरी वाइट ऑरेंज और वाइट ग्रीन। तो इनको आप ऐसे खोल लोगे, खोलने के बाद जैसे उस वायर को आपने स्ट्रेट किया था, सीधा किया था, ठीक इसको भी आप सीधा करोगे। सॉरी ये जितनी स्ट्रेट होगी उतनी अच्छी तरह से आप उसको लगा पाओगे, और यदि ये स्ट्रेट यानी सीधी नहीं हुई आपकी वायर तो आपके कनेक्टर में नहीं जाएंगी, कनेक्टर में नहीं लग पाएंगी। तो सबसे पहले काम यही है कि इनको स्ट्रेट किया जाए, सीधा किया जाए। अब पहली वायर अब अरेंज करेंगे हम, जैसे पहले हमने अरेंज किया था, वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर क्या था हमारा वाइट ग्रीन, फिर क्या है हमारा ब्लू, ब्लू वायर, वाइट ब्लू के बाद है सॉरी ब्लू, और ब्लू के बाद है वाइट ब्लू, और वाइट ब्लू के बाद है ग्रीन, ग्रीन के बाद है वाइट ब्राउन, और वाइट ब्राउन के बाद है ब्राउन। तो इन आठ वायरों को आपने अरेंज करना है, और यदि इनमें से कोई एक दो वायर आगे पीछे होगी तो आपने ठीक कर लेना है उसको। मैं जैसे कि पहले ही बता रहा हूँ, जब तक ये स्ट्रेट नहीं होंगी, सीधी नहीं होंगी, आप इनको अरेंज भी नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि हमसे ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं तो आप इनको सीधा करें पहले। अब हो गई है, ठीक है अब सीधी हो गई है ये। सीधी होने के बाद जैसे हमने उसको कट किया था तो इसको भी कट करेंगे स्ट्रेट। और हाँ, इन वायरों को आपने हाथ से दबा के रखना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दोगे तो ये खुल जाएंगी, ठीक है। तो इनको दबा के रखना जरूरी होता है। एक बार बनाओगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप एक दो बार बना लोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस प्रकार दबाना है और किस प्रकार काटना है और किस प्रकार ये सीधी होंगी, ठीक है। तो अब ये हमने काट दिया, काटने के बाद एक बार क्रॉस चेकिंग और कर लेते हैं। पहले है वाइट ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ब्राउन और ब्राउन, बिल्कुल सही है। तो अब हम एक कनेक्टर लेंगे, तो कनेक्टर ये है देखो, इस कनेक्टर के अंदर ये डालेंगे हम जैसे हमने पहले डाला था, तो इसके अंदर हम बढ़िया आराम से इसको डाल देंगे और बढ़िया आराम से डल भी जाएगी, ठीक है। और अब क्या करेंगे, क्रिम्पिंग टूल के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे। देखो इसमें क्लिक किया,
अब देखना कि जब हम इसको इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर इसको इसके अंदर ऐसे लगाना है और आगे की तरफ पुश करना है, ठीक है, और इसको दबाना है। लेकिन जब मैं आपको बता दूँ, माइक उतार के दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर जब हम इसको प्रेस करेंगे तो एक आवाज़ भी आएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये, देखो मैं अभी दबा रहा हूँ और आपको आवाज़ आएगी, देखो आई होगी, ठीक है, एक टिक जैसी आवाज़ आई होगी, जिससे ये पता लग जाता है कि जो है वायर कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर आपने इसको इसके अंदर से निकाल देना है, ये निकाल दिया, ठीक है, और अब आप इनको ऐसे खींचेंगे भी तो ये नहीं निकलेंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह हमारी लैन वायर बन चुकी है। अब लैन वायर तो हमने बना ली है, लेकिन लैन वायर बना तो ली है, क्या वो चलेगी या नहीं चलेगी ये भी पता होना चाहिए। क्या पता कोई एक दो कनेक्टर लूज रह गया है या आपने तार कोई गलत लगा दिया, तो इसके लिए आपको लैन टेस्टर, ये होता है लैन टेस्टर हमारा, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए यहाँ पर RJ45 के दो कनेक्टर दिए गए होते हैं, तो एक वायर आप यहाँ लगा दोगे और एक वायर आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब हम ऑन करेंगे इसको, तो ऑन करने पे क्या होगा कि ये लाइटें कंटिन्यूसली जगनी चाहिए। यदि इनमें से एक दो लाइट आगे पीछे जगी हुई है या जग रही है तो आपकी वायर उल्टी सीधी लग गई है, या कोई लाइट जगी नहीं रही है, ब्लैंक कर रही है उस चीज़ को, तो वो वायर वहाँ से नहीं लगी है। तो अब हम ऑन करते हैं इसको, शायद इसकी बैटरी ख़त्म होगी, नहीं चल रहा है, लाइट बंद कर लो। अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर लाइटें बिल्कुल जो है कंटिन्यूसली जग रही है, 1 के आगे 1, 2 के आगे 2, 3 के आगे 3, ये बिल्कुल देखो स्ट्रेट जगी हुई हैं। यदि ये लाइटें आगे पीछे जग रही हैं आपकी, तो भी आपका वायर ख़राब है, या कोई लाइट नहीं जग रही है बीच में तो भी आपकी वायर ख़राब है। लेकिन जो हमने वायर बनाई है बिल्कुल 100% एक्यूरेट बनी है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। तो ये लैन टेस्टर होता है। और एक बच्चे ने कमेंट किया था, ये तो छोटी सी वायर को ही टेस्ट कर सकता है, नहीं छोटी वायर को नहीं टेस्ट करेगा, ऐसे निकल जाता है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे देखो लेंथ वाइज आपकी वायर, अब एक सिरे पे आपने ये लगा दिया और दूसरे, अब मान लो आपकी 10 मीटर की वायर है, तो एक सिरे पे आपने यहाँ पर लगा दिया लैन टेस्टर और दूसरे सिरे पे आपने ये लगा दिया लैन टेस्टर, ठीक है। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा 1, 2, 3 ये सीरीज में जगी हुई है कि नहीं, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार, इससे हम लैन किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लैन वायर बनाना और लैन वायर को चेक करना। अब आपको बता देते हैं राउटर के बारे में कुछ। राउटर से पहले ये NIC है, देखो ये NIC जो है ये वायरलेस है, यानी इसका यूज़ क्या होता है, वायरलेस बिना तार के द्वारा कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है वाईफाई से या राउटर से। और एक होता है आपका NIC दूसरा, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें लैन वायर लगाई जाती है, ये यानी यहाँ पर लैन पोर्ट दिया गया होता है, यहाँ पर आप लैन वायर यानी इस UTP वायर को लगाते हो, ठीक है। वायर मीडिया के लिए आपको इस प्रकार के NIC का यूज़ करना पड़ेगा और हब का यूज़ करना पड़ेगा, ये आपकी हब है अगर आप तार के द्वारा कर रहे हो तो नेटवर्किंग, और आप बिना तार के द्वारा कर रहे हो तो आपको NIC यानी इस प्रकार के डिवाइस, और ये है राउटर आपका, ठीक है, ये है राउटर, इस प्रकार के डिवाइस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि जो ये एंटीना होता है ये वाईफाई सिग्नल जो है आउट करता है, और यहाँ पर जो NIC में जो एंटीना है ये वाईफाई सिग्नल रिसीव करने के लिए लगाया गया है, ये आउट करने के लिए लगाया है, ये रिसीव करने के लिए लगाया। अब यहाँ पर आपका वाईफाई जो है लैन पोर्ट, सॉरी राउटर है, राउटर के अंदर अगर आप देख पा रहे हो एक ब्लू कलर का पोर्ट है और दो येलो कलर के पोर्ट हैं। देखो जो ब्लू कलर का पोर्ट है ये WAN पोर्ट है, वाइड एरिया नेटवर्किंग के लिए है, और जो लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए है वो है आपके यहाँ पर दो। ये देखो WAN
पोर्ट हमेशा एक राउटर में एक ही होगा, और ये आपके लैंड पोर्ट आपके 2, 4, 6 हो सकते हैं, ठीक है। दो तो होंगे ही होंगे, और 4, 6 आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन हर एक राउटर में एक लैंड पोर्ट होगा ही, वैन WAN पोर्ट होगा ही होगा। इस वैन पोर्ट के अंदर क्या लगाया जाता है, सॉरी, इस वैन पोर्ट के अंदर ISP की वायर लगाई जाती है जहाँ से हमें इंटरनेट की सर्विस मिल रही है। यानी ये वाला जो राउटर होता है वाईफाई सिग्नल तो क्रिएट करता ही करता है, साथ में जो है ISP के जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। तो वैन पोर्ट की वायर यहाँ लगाई जाती है, और आपके जो लोकल कंप्यूटर है उनकी वायर यहाँ लगाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको कन्फिगर करके दिखाएंगे कि यहाँ पर वैन पोर्ट की तार कैसे लगाएंगे और इसको कन्फिगर कैसे करेंगे, या जब ये सिग्नल आउट करेगा, ठीक है, ये जब एंटीना सिग्नल आउट करेगा तो हमारा मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर किस प्रकार इस सिग्नल से कनेक्ट होगा और किस प्रकार से डाटा ट्रांसफ़र होगा, या आपने वायर के द्वारा राउटर यूज़ करना है तो उनकी वायर यहाँ लगेगी, ठीक है। तो आज हमने बताया आपको वायर और वायरलेस मीडिया के बारे में कुछ जानकारी दी। ये जानकारी हम पहले क्लास में दे चुके हैं, लेकिन उन क्लास में टेक्निकल वॉइस या टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें ये क्लास दोबारा लगानी पड़ रही है, ठीक है। आशा करते हैं कि जो आज हमने बताया आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें आप पूछ सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।